एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, मतलब 12:30 नहीं हो रहा है, 12:20 हो रहा है। और इसमें उल्टा इमेज आता है और डुकू की चल रही है पढ़ाई, मतलब होमवर्क बनवा रही हूँ मैं। और आप घर की हालत देख सकते हो, थोड़ा सा अजीब उजड़ा उजड़ा चमन लग रहा है। एक्चुअली क्या है ना, नवरात्रा स्टार्ट होने वाला है तो उसकी क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। मैंने आज सारे टॉवल वगैरह और कुशन कवर जो थे सोफा से वो वॉश कर दिया है, वो सूख भी गया है। पर्दे वर्दे भी मैंने वॉश कर दिए हैं। और अब मेरा बचा है फ्रीज, किचन के डब्बे एंड पूजा, तो मुझे लगाना है। ये देखिए, ये सारे यहाँ पे मैंने फैला कर रखा, सब सूखे हुए हैं। ये पर्दे वर्दे जो है ना, ये सब सूख गए हैं, ये टॉवल भी सूख गया है। सो मैं देखती हूँ, लगाती हूँ कि नहीं। और अभी हाँ, वेरी गुड। अब यहाँ पे ना आप लिखो, जैसे यहाँ पे लिखे हो ना ये, और आ छोटी बड़ी होता है ना ये, यहाँ से स्टार्ट करना। एक लाइन छोड़ के जाओ लिखो। और हस्बैंड आज ड्यूटी गए हैं तो अभी जस्ट ही निकले हैं वो 12:00। आज संदीप का लेटीसी मिला। सो हस्बैंड ड्यूटी गए हैं और किचन वैसे मैस पड़ा हुआ है। और आज मेरा व्रत है क्योंकि सोमवार है, 4th of October। मैंने डेट तो बताया नहीं, आज 4 अक्टूबर है और मंडे है। सो आज मेरी फास्टिंग है। और हस्बैंड खा के जा चुके हैं और डुबू को भी ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया है। किचन थोड़ा सा मैस है और मुझे पीनी है चाय, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पीनट्स एंड मखाने, मैंने हालांकि फ्रूट्स खाया है, एप्पल खाया, पर भूख भूख लग रही है अभी, तो मैं थोड़ा सा पीनट्स एंड मखाने फ्राई करूंगी और मिल्क टी बनाऊंगी। बहुत काम है अभी। और ये वेजिटेबल्स है, हस्बैंड क्या है ना, सुबह सुबह ना वेजिटेबल्स लेकर आ गए थे। घर में एक भी वेजिटेबल्स नहीं था क्योंकि कल था संडे और कल ही हमें वेजिटेबल्स लाना था, लेकिन हम नहीं गए, समहाउ नहीं गए, मन नहीं किया, ऐसे आलस आलस रह गया। सो हम नहीं गए, वॉश करके रखना है। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि डुबू को करा लेते हैं होमवर्क। सो चलिए पहले इनको करा लेते हैं होमवर्क और फिर पर्दे वर्दे लगाएंगे। बहुत ही लेंदी काम होता है यार पर्दे वर्दे का, लेकिन क्या करेंगे, लगाना है। और पूजा आज तो मैं क्लीन नहीं करूंगी क्योंकि आज व्रत है ना, तो काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। पर कल, क्योंकि आई थिंक 7 तारीख से नवरात्रा स्टार्ट होने वाला है जहां तक मुझे पता है, तो आज है 4 तारीख, 5-6, 2 दिन और मेरे पास टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ कल मैं कर लेती हूँ फ्रीज एंड किचन, एंड 6 तारीख को मैं करूँगी पूजा। फेस्टिवल आने वाला है अभी, नवरात्रा और उसके बाद दिवाली और छठ। तो इस बार शायद हम दिवाली में यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे घर घर, इन द सेंस कि मैं अपने कोरबा नहीं जा रही हूँ, छत्तीसगढ़ नहीं जा रही जहाँ इन लॉज रहते हैं, हम जा रहे हैं बनारस और मम्मी पापा भी वहीं आ रहे हैं। लेकिन आई थिंक वो लोग दिवाली के जस्ट सुबह आएंगे, मतलब दिवाली के बाद आएंगे, या फिर देखते हैं अभी का क्या प्लान है। पर हम तो श्योरली जा रहे हैं दिवाली पे घर, और फिर वहां पे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, मैं बनाऊंगी डेफिनेटली। एक्चुअली क्या ना, बनारस वाले घर में हमारा लॉक रहता है, लॉक तो नहीं रहता, वहां पे एक अंकल है, मतलब तिवारी अंकल है, वही रहते हैं अकेले, मतलब घर की देखभाल करते हैं, और वो अपना भी वहीं रहते हैं, वहां से वो अपना कुछ काम करते हैं, और वो कोई हमारे रिलेटिव्स नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, जब हमारा वो घर बन रहा था तो वो उसमें वर्किंग थे, मतलब काम करते थे, तो उन्हें पता था कि हम घर लॉक करके और जाने वाले हैं, तो उन्होंने बोला था कि आप लोग मतलब मुझे दे दो, मैं घर की देखभाल भी कर लूंगा और इसी में रहूंगा करके, तो वो वहां रहते हैं। तो दिवाली से कुछ दिन पहले ही जाएंगे क्योंकि उसकी बिल्कुल क्लीनिंग वगैरह सब, क्योंकि पता है ना जो घर में कोई नहीं रहता उसकी हालत क्या होती है। तो बस यही फेस्टिवल का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिवाली में रहना। क्लीन कर दिया, जो भी बर्तन थे मैंने वॉश कर दिया, ये देखो मैंने यहाँ हटा दिया है, और जो बड़े बर्तन थे मैंने उसको साइड कर दिया। और मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सा पीनट्स, मखाने खाने की इच्छा नहीं हो रही मुझे, वैसे भी ना मखाने बहुत हेल्दी है यार, लेकिन मुझे ना उतने पसंद नहीं आते। और यहाँ पर बना रही हूँ मिल्क टी, और देखो मैं कैसे पूरा स्वेट स्वेट लग रहा, कैसी मैं लग रही हूँ ना, सिर्फ पागल हो जैसे, मेरा सोना छोटा कच्चा 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 से। हेलो हेलो, मुझे ये भी खिलाई मम्मा। हाँ अभी हम लोग खेलेंगे, चाय पियेंगे, खेलेंगे, और डुबू के लिए देखते क्या बनाते हैं। पर डुबू को पीना है मिल्क, सो मैंने उनके लिए मिल्क भी बना दिया है। डुबू कॉम्प्लेन लोगे कि प्लेन मिल्क पियोगे? कॉम्प्लेन, ठीक है। सो उनको दे देते हैं, चाय वाय भी लेते हैं, और फिर आपसे बातें भी करेंगे, चाय भी पियेंगे, भूख लग रही है। और ये है ना, मिल्क के साथ थोड़ा सा मखाने और या पीनट्स कुछ भी ऐसे ले लो ना, तो ये थोड़ा टमी फुल हो जाता है और थोड़ी देर के लिए आप एटलीस्ट रिलैक्स रहोगे। और उसके बाद मुझे काम भी करना है यार, सोफा का कवर लगाना है, पर्दे लगाने हैं, वेजिटेबल्स रखने हैं, बहुत काम है।
देखा ना मैंने कितनी ज़्यादा चाय बना ली है, ये देखो। और पता है चाय अच्छी हो या बुरी हो, पहले मैं पी लेती थी यार, मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पी सकती, मुझे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन अब इसको पीना पड़ेगा। और ये पूरा रायता फैला करके मतलब खेलेगा, ये पजल है। सो कब से बोल रहा मम्मा चलो खेलने खेलने, पर इसके साथ अब ये भी खेलना पड़ेगा। सो चलिए खेलते हैं, चाय भी इंजॉय करते हैं, और उसके बाद डुको अपना मिल्क लेकर आ जाओ बेटा प्लीज। अभी और थी, मैं देखो तो पी के और हॉट है। बन गया है, मतलब बना है, मैंने विसिल लगा दी, दलिया बना दिया, और आ गए हैं और वो काम कर रहे हैं। पता नहीं 12:30 बजे गए और आ गए। पापा ने एक किताब, अरे वो क्या लिए, उसको रखो पहले, हैंड्स को गंदे कर रहे हो, रखो पहले और हैंड वॉश करके आओ। पापा, और अब जा रही हूँ मैं ये सब काम करने, और मौसम दिखाती हूँ। ये देखो बारिश हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ धूप थी पर अभी हो रही है बारिश। रुको लो लो मम्मा की हेल्प करो, ये सब लेकर जाओ, रुक जाओ यहीं पे रुको, यहीं पे रुको, यहीं पे रुको, लो पकड़ो। आजकल डुगू भी मेरी हेल्प करता है मम्मा की, है ना बेटा, डुगू बड़ा हो गया है, मम्मा की हेल्प करता है। चलो चलो ले जाओ उस रूम में रखो। सो पर्दे वर्दे लगाते हैं, और मेरी सब्जी भी मेरा इंतजार कर रही है। और मैंने लंच में सिंपल सा बनाया दलिया, हस्बैंड को पूछा तो वो बोले मैं नहीं खाऊंगा, पर फिर भी मैंने हल्का सा बना लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि वो 12:30 नहीं किया है, खाली पापा परचेज ही करते रहेंगे, मतलब पापा ही हो गए इनके, पापा बिजनेस हो गए। नहीं किया ना, किसे सॉन्ग बजाता हूं। कैसे बजाते हो? ऐसे टिंग टिंग दा टिंग टिंग दा। वाह यू आर लुकिंग स्मार्ट। और डुगू अपनी बॉडी तो दिखा दो सबको, डुगू का देखो अभी बॉडी बन रहा है, ऐसे करो ऐसे ऐसे। और जैसे जैसे डुगू बड़ा हो रहा है ना, उसे बहुत ही शौक हो रहा है कि वो मम्मा की हेल्प करेगा, तो वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, बोलता है मम्मा मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और मैं भी उससे थोड़ा बहुत कराती रहती हूँ, इससे मेरा भी मन बहल जाता है और उसे भी ऐसा लगता है कि मम्मा की मैं हेल्प कर रहा हूँ। और वैसे भी ये हैबिट बच्चों में अच्छी भी होती है, क्योंकि आगे चल के अगर वो बचपन से ही आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे ना, तो अगर वो बड़े भी हो जाएंगे ना, तो आप ईज़िली थोड़ा बहुत उनसे हेल्प ले सकते हो। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि छोटे मोटे काम, लाइक अभी तो वो बहुत ही छोटा है, पर फिर भी हाँ ये चीज़ें उधर रख दो, वहाँ से यहाँ ला दो, छोटे मोटे ऐसे उसको बोलती हूँ, और वो करता भी है, तो और उससे भी मज़ा आता है, और मुझे भी एक कंपनी मिल जाती है, तो बस हम दोनों की मस्ती भी चल रही है। काम थोड़ा लंबा हो जाता है डुगू के हेल्प से, पर हाँ ठीक है, मज़ा आता है, वो बहुत इंजॉय करता है, और उसे देख कर मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने लगा दिए हैं और लाइट कट गई है, मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। अजीब सा मौसम हो गया, घनघोर बिल्कुल, तो मौसम बहुत अजीब और गरीब है। और आज मेरा व्रत था, पर मैंने साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि वही आज ये सब थोड़ा सा काम करना था ना, तो मैंने सोचा कि साड़ी में कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और यहाँ पे इन लोगों का बन गया है दलिया, मैंने बना दिया है हस्बैंड के लिए भी, थोड़ा सा निकाल दिया है। तो चलिए हम लोगों को खिला लेते हैं, और उसके बाद फिर अगेन किचन वगैरह क्लीन करूँगी, देखते कैसे कैसे करते हैं। सो चलिए पहले खिला लेते हैं, हस्बैंड को दे देती हूँ मैं। डुगो चलो आपको दलिए, मतलब सोफ़ा कवर मैंने लगा दिया है, बहुत मेहनत करी आज, और आज बहुत काम कर रही हूँ मैं। पर्दे भी लग गए सोफ़ा कवर, अभी थोड़ा शाइनी शाइनी लग रहा है ना, मैंने क्लीन कर दिया, देखो यार साफ़ सुथरा लग रहा है ना। मैंने इधर के ना जाले निकाल दिए हैं, आप ना कल इधर से थोड़ा बहुत कर देना, ठीक है? क्या है ना, मेरे को ना झाड़ू से वो पकड़ में नहीं आ रहा था। आज मम्मा का व्रत है।
मम्मा का व्रत है, फिर भी देखो मम्मा कितना काम कर रही है। और वेजिटेबल्स ये देखो, सोच रही इनको ना ऐसे ना एक कपड़ा गीला करके और सबको वाइप कर लूँ, क्योंकि मैं अगर इनको वॉश कर दूंगी ना और मौसम बहुत ही खराब है तो मेरे सारे वेजिटेबल्स खराब हो जाएंगे। सो मैं इसको वाइप ही कर लेती हूँ। नहीं जी, सब्जी को वाइप कर लेते हैं। चलो चलिए, मैं सब्जी वगैरह ना रख लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं कब मिलते हैं। अभी बहुत काम है मुझे, किचन के बर्तन भी क्लीन करने हैं। और एक बार जब काम का सिलसिला चालू होता है ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको स्टार्टिंग में काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, पर करते करते ना आपको लगता है थोड़ा ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ फ्रीज़ को भी आज क्लीन कर लेते हैं। हालांकि फ्रीज़ बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैं अभी 15 दिन पहले ही बहुत अच्छे से एक एक पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करा था। पर हाँ, थोड़ा बहुत मैं इसको भी सोच रही हूँ कि क्लीन कर दूँ लगे हाथ, ताकि मेरा कल का जो काम मैंने डिसाइड किया है उसमें थोड़ा सा मेरे को रिलीफ मिल जाए। तो यहाँ पर मैं फ्रीज़ की सफाई कर रही हूँ और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट करती हूँ कि नहीं करती हूँ। पर पता है काफ़ी थक गई थी मैं इतना सब कुछ करते करते। और मैं आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ कि जब भी आप ऐसे कोरिएंडर लीफ या फिर ग्रीन चिल्ली को ऐसे टिश्यू में रैप करके अगर स्टोर करो ना, तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि ये जो ग्रीन चिल्ली होती है ना, ऐसे बारिश के मौसम में ना बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन मैं इस पे रखती हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे ना 2-2 सप्ताह तक ना चिल्ली, ये देखो ये पिछले वीक का है और अभी न्यू चिल्ली आ गया, अभी उसको मैं रखूंगी। ये देखो अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, नीचे टिश्यू लगा देती हूँ और ऊपर लगा देती हूँ, उससे ये बहुत ही फ्रेश और लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो आप भी ऐसे स्टोर कर सकते हैं और सेम आप कोरिएंडर लीफ के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। और मैंने सारे वेजिटेबल्स को भी अच्छे से टॉवेल से वाइप कर लिया था, तो उसे भी मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। और मैं वेजिटेबल्स को पॉलीथीन में रखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने ओपन बकेट में रख के देखा है ऐसे सब्जियाँ जल्दी सूख जाती हैं। जबकि जब भी आप एयर टाइट किसी प्लास्टिक में या फिर एयर टाइट कंटेनर में अगर अपने वेजिटेबल्स रखते हो, तो वो बहुत ही लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। और ये भी मेरी एक टिप है, आप ऐसे करके देखना, पॉलीथीन में रखी हुई वेजिटेबल्स बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहती है। और जैसा कि अभी बारिश का मौसम है, तो आप अपने पॉलीथीन में रखने से पहले एक बार उसको टिश्यू में रैप कर देंगे, तो वो और भी ज़्यादा फ्रेश रहती है। पैकेट्स का सामान था उसको रख दिया है और ये अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि कल मैं साफ़ करूँगी किचन के डब्बे वगैरह और तब इसको लगाऊंगी। और ये रूम देखिए कैसा लगा, ये कपड़े हैं, मुझे पूरे इसको फोल्ड करने हैं, सो प्लीज़ इग्नोर इट, अभी करूँगी। तो चलिए मैं ना ये किचन वगैरह क्लीन करके और थोड़ा सा खुद भी सेटल डाउन होके और देन आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और सारे काम करते करते मेरे को शाम हो गए थे, शाम के 6:30 हो गए थे। सो मैंने सोचा कि सबसे पहले आरती कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ, बहुत ही रिलैक्स लग रहा था, क्योंकि जब आप इतना सारा काम करके और फिर जब शांत हो जाओ ना, मतलब आपका सारा काम अच्छे से निपट जाना, तो बड़ा मज़ा आता है। हालांकि अभी नाइट रूटीन बाकी ही है, पर हाँ फिर भी जो मैंने एक्स्ट्रा काम लिया था वो डन हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हो गई है शाम और शाम की आरती वगैरह हो गई है आपने देखा, और आज मैंने बहुत काम किया। दिन है ना सुपर हैक्टिक रहा है, पर वेरी प्रोडक्टिव भी रहा है। मैंने देखिए पर्दे वर्दे सब लगा दिए, और आज मैंने पर्दों को थोड़ा सा, वो लंबा था ना, तो मैंने आज इसको थोड़ा सा, काफी टाइम हो गया है,
और कपड़े भी जो यहाँ पे पड़े हुए थे आपने देखा था ना, मैंने उसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है। किचन वगैरह सब कुछ क्लीन है, अब बस कल का मेरा काम है, मतलब टारगेट है, देखिए होता है कि क्या। अच्छा तो मैं साबुदाना लूँगी, तो मैंने वो भी ऐसे शोक करके रख दिया है, अभी रखा है। तो आज बहुत काम किया यार, बहुत ही ज़्यादा काम किया है, लेकिन अभी भी स्टिल काम बचा है। अब मैं कुछ करूँगी नहीं, बस ये जो फोल्ड कपड़े हैं इसको इसकी जगह पे लगाते हैं और उसके बाद अब बहुत आराम करूँगी। हालांकि डुगू को भी थोड़ा बहुत पढ़ाना है, कुकिंग करना है, पर हाँ अब इस टाइप के काम नहीं करूँगी मैं। सो चलिए पहले ना कपड़ों को रख देते हैं। और आज का दिन कितना बिजी था ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने खुद ही देखा है। मैं बहुत ही थक गई थी, अब कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। और आज मैंने आप लोगों को कुछ ज़्यादा ब्लॉग में दिखाया भी नहीं, बस जो काम कर रही थी वही दिखा रही थी। एक्चुअली आज का दिन ही ऐसा था, मैंने यही सब किया था, सो यही सब दिखा रही थी। और आगे मुझे ना वीडियो कंटिन्यू करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, पर कोई बात नहीं, इस वीडियो में बेशक मैंने आप लोगों के लिए ना कोई रेसिपी ना आप लोगों से अच्छे से बात कर पाई उसके लिए आई एम सो सॉरी। पर अभी तो हमारी जर्नी बहुत ही लंबी है, आगे कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।